हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी उबली हुई चने की दाल। इसके लिए हम पहले दाल को धो लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे एक गिलास पानी और इसे भीगने के लिए रख देंगे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद हमें दाल को बॉईल करना है। इसके लिए हम एक बोल में दाल को ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। हमें दाल को बॉईल करना है 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। दाल पूरी तरह से मैश नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारी दाल पक चुकी है। आप अपने फिंगर से प्रेस करके देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल को एक बोल में निकाल लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, और अब ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, कोथमीर और पुदीना के पत्ते और आधा लीमू का रस। हमें इसे अच्छे से मिलाना है। हमारी चटपटी न्यूट्रिशियस चने की दाल रेडी है। इसे रमजान में रोज बनाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।